किसान साथियों नमस्कार। साथियों, काफ़ी सारे किसान भाई सोचते हैं कि पाली हाउस में खेती अच्छी होती है और फंगस वगैरह या फिर मच्छर वगैरह फिर इल्ली वगैरह का प्रकोप नहीं होता और फसलें अच्छी ग्रो होती है, प्लस में वेदर कंडीशन का भी इतना कोई इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। तो किसान साथियों, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे खेत के पड़ोस में पाली हाउस बना हुआ था पहले। अब इसको दो तीन दिन से इसको डिसमेंटल का काम चल रहा है, जो कि लगभग पाली हाउस 3 से 4 साल पुराना है। और इसको डिसमेंटल करने की मुख्य वजह ये है कि इसका जो तिरपाल रहता है ऊपर का, ये तिरपाल रहता है, ये इसका फटने लग गया था। और इसमें कोई ख़ास फसल हो नहीं रही थी। फिर एक दो साल में शुरुआत की, एक दो साल इन्होंने खीरा वगैरह और ककड़ी वगैरह अच्छी लगाई थी, अच्छी ग्रो हुई थी। बाकी आने वाले बाद के सालों में इसमें कोई अच्छी फसल नहीं होने लगी। उसका मुख्य कारण ये भी है किसान साथियों कि ये पोली हाउस जो था वो सिंपल वाला था। एक पोली हाउस होता है टेम्परेचर कंट्रोल वाला। तो मेरा किसान साथियों से ये अनुरोध है कि अगर आप अपने खेत में पोली हाउस लगवाना चाहें तो किसान साथियों थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, 1,50,000 का, 50,000 1,00,000 का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। बाकी आप टेम्परेचर कंट्रोल वाला पोली हाउस बनवाएं, उससे क्या रहेगा कि आपको फसलें अदर सीजन में भी आप अच्छी ले सकते हैं, अच्छी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप विदाउट टेम्परेचर कंट्रोल वाला लेते हैं तो इसमें मौसम के हिसाब से ही सब्जियां होगी, सब्जियां वगैरह आप जो भी लगाते हैं पोली हाउस में वो मौसम के हिसाब से ही होगी। विदाउट मौसम जो सीजन होता है उसके प्रतिरूप, यानी कि उसके अगेंस्ट जो सब्जियाँ होती हैं, खीरा वगैरह जो का सीज़न होता है, बरसात का होता है, ठंड का होता है, फिर गर्मी का होता है, मतलब सीजन के वाइज आप लगाते हैं वही फसलें होगी इसमें विदाउट टेम्परेचर कंट्रोल वाले में। और टेम्परेचर कंट्रोल वाले में आप समय के अनुरूप सीजन के प्रतिरूप आप सब्जियाँ उगा सकते हैं। और ये है पोली हाउस को डिसमेंटल कर दिया गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से किसान साथियों, ये आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।